गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आई एम सुरेंद्र यादव, आई बिलोंग फ्रॉम एसएम पब्लिक स्कूल उत्तरीजपुर समूहगंज जौनपुर। टुडे आई शैल टीच यू लुकिंग अराउंड क्लास सिक्स चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। Today we see that in the difference of two state, आज हम दो स्टेट लेंगे भारत के, उसमें क्या विविधता है उसको देखेंगे। Like Ladakh, Ladakh is the other state of the Jammu Kashmir. We read about this. इसमें देखेंगे कि केरल और लद्दाख दो ऐसे राज्य हैं जो विविधता से भरे हैं, आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। Be care children, Ladakh is a desert in the mountain in the eastern part of Jammu and Kashmir. Ladakh Jammu और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। लद्दाख जो है जम्मू और कश्मीर के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भागों में ईस्टर्न पूर्वी भागों में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज द पॉसिबल हियर सिंस This region does not receive any rain. यहां हम देखेंगे यहां पर बहुत कम खेती संभव है क्योंकि क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, यहां जो है वर्षा नहीं प्राप्त होती। एंड इज कवर्ड इज स्नो, और यह प्लेस जो है दिस प्लेस इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईलो। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। यह जो इलाका है, क्षेत्र है, लैंड है, वह लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है इस क्षेत्र में। एंड इज कवर्ड इज स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द यू देयर आर वेरी फ्यू ट्री, यहां या इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं There are very few tree that can grow in the region for drinking water पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। तो यहां देखिए for drinking water, पीने के लिए पानी के लिए लोग डिपेंडेंट ऑन द मेल्टिंग स्नो, यानी पिघले हुए बर्फ पर निर्भर रहते हैं ड्यूरिंग द समर मंथ, मतलब गर्मी के महीनों में लोग पिघले हुए बर्फ पर निर्भर रहते हैं, उसी से पानी पीते हैं। पीपल हियर कीप शिप, यहां के लोग
भेड़ रखते हैं। एंड द शिप इन दिस रीजन और स्पेशल, यहाँ की जो भेड़े होती हैं वो स्पेशल होते हैं। यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं, भेड़ पालते हैं, जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। तो इसमें देखेंगे दिस रीजन और स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना ऊन। ये लोग किसका उत्पादन करते हैं? पश्मीना साल का, ऊन का। दिस ऊन इज प्राइज एंड पश्मीना शॉल, इस ऊन की जो प्राइज और पश्मीना शॉल है, कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, बहुत मूल्य रहता है, अधिक मूल्य प्राप्त करता है। द पीपल इन लद्दाख, लद्दाख के लोगों में केयरफुल्ली कलेक्ट द ऊन ऑफ द शिप एंड सेल दिस टू ट्रेडर फ्रॉम द कश्मीर। पश्मीना शॉल आर द चीफी ओवन इन द कश्मीर, इसलिए यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। लद्दाख के लोग बहुत सावधानियों से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के ट्रेडर्स व्यापारियों को, कश्मीर के व्यापारियों को ये पश्मीना साले बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना साले बुनी जाती हैं, कश्मीर में ही ये साले बुनी जाती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट डे को फिर बताया जाए।